हेलो। तो भैया रो राम राम, जय राम जी, जय बुंदेलखंड पहुँचे। तो भैया आज आपके लाने एक ऐसी जगह के दर्शन करवा रहे हैं जो कि एक चमत्कारी जगह है, और जहाँ पर भैया हरो हनुमान जी और बहुत से देवता विराजमान हैं। तो उतनी पे जाके आपके लाने उस जगह को नाम भी बता रहा है और आपके लाने दर्शन भी करवा रहे हैं। और जी अपने प्यारे लाल जी मस्ताना तो संगई में जा रहे हैं, और जी अपने दद्दा कॉमेडी किंग दद्दा। तो भैया अपना देखना जरूर है, और जुड़े रहो आप हमारे साथ में ब्लॉग में। धन्यवाद। जयराम जी, जय बंदेल। जा रहे हैं और रामनगर, रामनगर में जो कलेरा के पास में रामनगर है, तो वहीं पे है जो एक सिद्ध क्षेत्र स्थान है, तो आपके नाम का बड़े महाराज के नाम से, हाँ बड़े महाराज के नाम से जो कि प्रसिद्ध है, तो आपके नाम दर्शन भी करवा रहे हैं। तो भैया आ गए हैं और आपके लिए दर्शन भी करवाए। चलो उतरो, तो देखो जो है धाम सामने दिखा रहा हूँ ये आपके लाने। तो भैया दर्शन करवा रहा है और एक चमत्कारी जगह भी है, तो आप कहाँ उगे भी दर्शन करवा रहे हैं, तो जुड़े रहो आप हमारे साथ में। तो भैया आ गए हैं, देखो जो स्थान कौन से नाम से प्रसिद्ध, बड़े महाराज के नाम से, हाँ बड़े महाराज, बड़े महाराज के नाम से स्थान प्रसिद्ध है, और जो खरगा वो पलेरा के पास में रामनगर गांव में है। हमें वो पकड़ा हुआ है, चलो देखो। बहुत अच्छा सिद्ध क्षेत्र स्थान है और चमत्कारी पीढ़ी है। हाँ, हमने आपसे कुछ चर्चा करी थी कि हम उस पर चमत्कार भी दिखाए हैं होते पे। तो देखो होते पे हम जो पेड़ दिख रहा हुई है आपके लाने, जो पेड़ दिख रहा हुई है आपके लाने, तो एक चमत्कारी पेड़ है जो, तो इसमें चमत्कार जो है कि अगर ईटा पीसे बजा रहे हैं, अगर ई तैपी से बजाएं तो तैपी आपका पूरी पूरी आवाज़ सुनाई दे है। कैसे बजाते हैं फिर? अच्छा, मतलब पूरा खोखला कहाँ ना है? आओ, खोखला नहीं है, खोखला मोखला नहीं है, खोखला नहीं है, हाँ हाँ खोखला नहीं है, ये हमें उतर जा खोखला नहीं है, तुम सोचो खोखला जैसे जी है, हाँ तुम टी यात्रा का चुका है जैसे टी है ठीक है। एक मिनट, एक मिनट नहीं आप, हाँ एक मिनट का ये भेंट ले पहले, बाद में चल पहले दर्शन कर ले, फिर भेंट की फैब का। चलो चलो चमत्कारी को जो एक विवाह है सो आ जाती पे बताओ, फिर बता चलो तुम्हें सभी स्थिति बताया पहले बना था। हाँ, तो जो पेड़ देखो एक तरफी से अगर कछु बोला तो दूसरी तरफी आपको साफ साफ सुना पड़ा, ढोलक नहीं बोल सका, हाँ ढोलक नहीं बोल सकत ऐसा बोला था, और खोखला भी नहीं है, तो देखो आनंद लो, सूखो भी नहीं है, सूखो भी नहीं है। जय हो भोलेनाथ। तुम्हें कछु नहीं करने हमने चीन ये सुनील देवराज शरीर की तस्वीर भी है। अच्छा।
तो भैया इतने की बहुत प्रसिद्ध महिमा है जो कि आप हम बता रहे हो इतने जो भी कष्ट रोग कुछ भी तो उनको भी सब निवारण होते हैं और आपके लाने गुरुजी सब बताएं तो गुरुजी से मिलवा रहा है आपके लाने जैसे आप सब दिखा दो सब दिखाओ बड़े महाराज पांच मिनट लगेगा हसन जज पांच मिनट में चाल तो अब दिखाए हैं ये है बब्बा जी हाँ बब्बा जी के द्वार से चल जाओ तेरा दो ही तो चले जाओ भीतर भीतर की कहीं जाने तो दर्शन करो आप तो जी अपने गुरु जी हैं हाँ तो भाइयों के गुरुजी हैं जो कि ऐसे ही आशीर्वाद बना रहा है सब जान के लाने तो गुरुजी आप जो बता सकते हो कि जो इतने को इस जगह को नाम हनुमान जी मंदिर रामनगर पुरैनी हाँ हनुमान जी मंदिर रामनगर पुरैनी हाँ तो इतने पे जो प्रसिद्ध क्षेत्र है और आप थोड़ी इतने की महिमा बता सकते महिमा यहाँ की जी है कि लाल भूत प्रीत अच्छा कछु भी हो मतलब सब दूर हो अच्छा हाँ तो निःशुल्क सेवा निःशुल्क सेवा है तो इतने पे कुछ भी कोई को कछु भी प्रात दुखात हो गए सब ही मिटा तो इतने पे आ जाओ तो बिल्कुल इतने एक एक ही बार आप इसे आराम लग जाए आप सब जान के लिए दृढ़ विश्वास जिसको है उसका तत्काल काम होगा हाँ तो जिया भी विश्वास है तो एक भी इतने जरूर आने हैं और दर्शन करने हैं आए फोटो आए सब सब जान के ले लो श्री काशी महाराज का दरबार शुरू होता है चौथा लिख लिए मुझे भगत जी ये तो जैसे पथरी हो पेट हो कहीं जैसे दवाई तो मिल जाए ना सब दवाई मिलती कोई भी चीज की दवाई मिलती दवाई सबकी मिलती निःशुल्क निःशुल्क और जैसे भूत है प्रीत है तो लोग दो बंदे भी ही तो कहते हैं तत्काल आराम तत्काल आराम जिसके अंदर भावना है पूरा आराम पूरा आराम तो आप तो 24 घंटा यहीं रहते 24 घंटा है 24 घंटा यहीं है तो मंदिर की ठीक है और मंदिर की प्रतिमा कब से है बहुत पुरानी प्राचीन काल अच्छा प्राचीन काल प्राचीन तो देखो लोग बाग जनता देख रही है और बाकी आप लोग सब देखो जो आप कब से चला रहे हो और आप कब से चला है गुरुदेव 30-35 साल हो गए यानी तो आपने पूरा व्यतीत ही कर लो जीवन और जीवन ही व्यतीत करने हैं और करने चलो अच्छी बात है ऐसी कृपा बना रहा था श्री काशदेव महाराज का दरबार लगता है हर चौथ को अच्छा हर चौथ को दरबार लगता है ठीक है तो हर चौथ को महीना मतलब दो चौथ की चौथ हां दरबार दोनों चौथ अच्छा आमास पूर्ण दोनों जी ये भूत भूत लगे प्रीत कोई भी हो जैसे ऊपर चक्कर तो वो यहां पर तत्कालिक आराम हो जाए बहुत अच्छी बात है गुरुदेव तो अब ऐसी सफा शरण में ले जो और डाल दिए ठीक है हाँ तो हमारे गुरु जी ने बताई है कि जो कछु भी भूत प्रीत जो कछु भी कोनो भी अगर दुख होवे किसी भी प्रकार को तो इतने पे सब ठीक होते हैं तो इतने एक बार जरूर आने हैं और श्री हनुमान जी के दर्शन करने हैं भोलेनाथ जी तो अपन कहें एक बार जरूर आने हैं इतने पे और जी मंदिर बड़े महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं
तो अपन खा एक भी आउने जरूर है। और अपने ये सिख के पादिष्टि भोलेनाथ हम सब के ऊपर बना रहा है। देखो जो मंदिर के दर्शन करो, बहुत प्राचीन मंदिर है। और भैया इमें जी 24 अवतार भगवान जी को मंदिर है। हाँ, इधर से दूर से गेट से अंदर है सब जन गेट से दिखा रहे हैं। हाँ 24 अवतार तो आप दर्शन कर सकते हो। बालाजी दरबार है, भगवान राम है, देव गुरु जी हैं यहाँ के। अच्छा, श्री श्री 108 श्री मनोहर जी है जी, अपने पूजनीय गुरु जी जे दूसरे जाने बाबा जी उनके चेला है जो बतला। अच्छा जी गुरु जी, और तो 24 ये अवतार हैं। जो गंगा से मूर्ति बनती है ना, इसमें कोई पत्थर की बनी। अच्छा हाँ, तो जे हनुमान जी की पुरानी मूर्ति। हाँ मतलब जो गंगा से बनती है मूर्ति अपने आप, जैसे पानी है जो गंगा से। अच्छा, अच्छा। उससे पैदा बनती है। अच्छा, अच्छा। नीचे उनके वो सामने लगा, नीचे जो नीचे है प्रतिमा उनकी, वो नीचे उनकी चंडी में वो लाद से चंडी को दागे नीचे। अच्छा चंडी का रूप होता है ना, चंडी को मार वो नीचे दागे वो सर्प बनो की मूर्ति। अच्छा वो मूर्ति है बहुत पूरा की बालाजी की प्रतिमा। चलो बढ़िया है। तो जो गंगा मैया से बनी है मूर्ति, गिट्टी सीमेंट से बनी। हाँ पुरानी प्राची। तो देखो बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो जे श्री श्री 999 गुण स्थापना है। और इतने पे पुराण बैठ की होते है जी, यज्ञशाला है। यज्ञशाला जो बेदी माता। आओ थोड़ी आओ। तो इतने पे जी हवन कुंडी जी पुराण बैठ की, पुराण बैठ की वो विमान है भगवान। हाँ जो जो आप देख रहे हो वो विमान है भगवान जी को विमान। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम हमारा नाम है परमलाल यादव रामनगर। आज परमलाल यादव रामनगर जिनने बहुत बढ़िया जानकारी दी है मंदिरन की। तो मंदिर इन्हीं से हमने जो कुछ भी जानकारी ली तो इन्हीं से ली है। हाँ और हमारे संतोष यादव जी जी हैं अपने भैया संतोष जी। पेड़ो है क्लब बेच। हाँ। इसको उस पार ठोको, इस पार गंगा सुनाई देगी। अच्छा। गंगा भाई। अच्छा अच्छा, तो देखो आप जो पेड़ो देख रहे हो आप थोड़ी तो आओ थोड़ी देख। हाँ तो जो है भैया अपनो कल्प वृक्ष, तो यही के बारे में हम मनोकामना मांगेगा कान में लगा के वो मनोकामना पूर्ति कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया है। तो मतलब मनोकामना दायक पेड़ है कल्प वृक्ष। अपन का कान लगा देता है, एक बार जरूर आना है। सुनाई देगा तो साइड कान है। ये पारस पीपा है। हाँ देखो ये पारस पीपा जो भी गिरावा दाल होते हैं पूजा पाठ। अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया है। जो जो भी पेड़ है ना चमत्कारी पेड़ है। तना तना ठोकियो कछु ठोको ठोक ठोक दो है।
पूरी सुना पड़ा था जैसे मान लो गंगा भाई हुए पानी। हाँ जैसे पानी भरो हो और जो भी नहीं है क्या पेड़ मतलब खोखला हो। नहीं चलो बढ़िया है यार। इस पेड़ को पताता भी नहीं है कि कोई जानता भी नहीं पेड़ को नाम। अच्छा नाम भी नहीं जानता इस पेड़ का कोई। अच्छा जो कौन सा पेड़ है? हाँ, मतलब वो तो चमत्कारी पेड़ है, वो जो मनोकामना उसकी पूरी करता है किसी की भी अपनी है। हाँ, तो यहाँ भेंट जाए उसका मनोकामना जो फराद लगाता है फराद पूरी हो पूरी हो। ठीक है अपनी ऐसी भेंट करके ऐसी फराद लगा दे अपने मन की मुराद नहीं से कह दो बाकी लिया होगी। बाकी आपका काम कर्म करना आपके ऊपर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो भगवान जाने। हाँ वही बात है कि कर्म करो तो देखो फल मिले है। और वैसे इतने पे बहुत है मतलब इतने पे आप मांग जाओ और अपनो कर्म करते रहो तो कभी पीछे ना हटो। हाँ चलो राधे राधे की दिन लगा ले जो भी अच्छा। तो दरवाज स्थल लगा ये वो तन को मिला लगा उते बैठे भी पीछे बांधा थे वो जी बब्बा जी काश दे बब्बा काश दे अपने काश दे भगवान। हाँ तो भाई यारो कैसे लगे थे कि दर्शन और अपन का एक बार इतने जरूर आने हैं कुछ भी मनोकामना लेके आओ अवश्य पूर्ण होगी जल्दी से जल्दी पूर्ण हुई है और अपन है एक बार घूमने तो जरूर आऊँगा। हाँ इतने ऐसे बहुत सुकून शांति मिलत है तो अपन का एक बार जरूर आने हैं। और भैया ऐसी अपना प्रेम बना रहो तो धन्यवाद। जय राम जी जय बुंदेलखंड जय भारत माता।